शा शरणं मम ना हम तू हो तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि गुरुदेव साधु वासवानी जी ने संत कबीर के दोहों पर उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कल हम संत कबीर के जिस दोहे पर चर्चा कर रहे थे उसके शब्द हैं, कबीर कसौटी राम की जूठा टिकिया न कोय, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। जो जूठा है वह राम की कसौटी में खरा नहीं उतर सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि सच्चा कौन है। इस प्रश्न का उत्तर संत कबीर इस दोहे के दूसरी पंक्ति में देते हैं। वे कह रहे हैं, कबीर कसौटी राम की जूठा टिकै न कोय, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। जो जीते जी स्वयं को मार देता है वही राम की कसौटी में खरा उतरता है, अर्थात वही इंसान इस कसौटी में खरा उतर सकता है जिसने अपने मन पर विजय पाई है। वह किसी भी बात से रंज नहीं होता, हम उसकी निंदा करें वह बुरा नहीं मानता, हम उसे कष्ट दें वह दुखी नहीं होता। जैसे संत कबीर को काजी ने काल कोठरी में बंद कर दिया, फिर भी कबीर राम का पावन नाम जप रहे थे। काजी परेशान था पर संत आनंद में थे। धन्य है वह इंसान जो अपने मन पर विजय पाता है। ऐसा इंसान हर जगह हर मकान देखता है अलख का एहसान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, हम में से एक एक की परीक्षा ले जा रही है, एक एक की परीक्षा ली जा रही है। अब एक एक को स्वयं से पूछना चाहिए कि मैं राम की कसौटी में खरा उतर रहा हूँ। जो खरा उतरता है उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी यह है कि वह सब में अपने प्रभु को देखता है। रूस के महात्मा लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत सुंदर कहानियां लिखी हैं। एक कहानी में उन्होंने एक मार्टिन नाम के व्यक्ति का वर्णन किया है। मार्टिन के दिल में प्रभु को पाने की प्यास थी। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करता था। एक दिन वह दैवी आवाज सुनता है जो उसे कहती है, मार्टिन मेरे बालक, कल मैं तुम्हें अपना दर्शन दूंगा, तुम मेरी राह देखना। अगले दिन मार्टिन अपने प्रभु के आने की राह देखने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था, आज प्रभु मुझे दर्शन देंगे पर वे मुझे कहाँ दर्शन देंगे। मार्टिन अपनी पूजा प्रार्थना समाप्त कर जब घर से निकलता है तब वह देखता है कि घर के बाहर जो गली है वहाँ एक भंगी बैठा है। सर्दी का मौसम था, भंगी बेचारा ठंड से कांप रहा था। मार्टिन उससे कहता है, प्यारे भाई तुम मेरे साथ चलो,
वह भंगी को अपने घर लेकर आता है। फिर भंगी को आग के पास बिठा कर कहता है, तुम ज़रा आग का ताप ले लो। फिर मार्टिन उसके लिए खाना लेकर आता है और प्यार से उसे परोसता है। इस तरह मार्टिन भंगी की सेवा करता है और उसे अपने घर पहुंचा कर आगे निकल जाता है। अभी मार्टिन कुछ ही दूर जाता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके गोद में एक नन्हा सा बच्चा था। औरत अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसे अपने दामन में छिपा रही थी। औरत के पास अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए कुछ नहीं था। तब मार्टिन अपने तन पर पड़ा कंबल उतार कर उस औरत को देता है। औरत वह कंबल लेकर बहुत खुश होती है। उसके बाद मार्टिन उनके लिए भी खाने की कुछ चीज़ें खरीद कर उन्हें खिलाता है। फिर मार्टिन घर लौट आता है। रात को मार्टिन सोने से पहले प्रार्थना करता है। उसे फिर से दैवी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कहती है, मेरे बालक, मैं तुम्हारे पास भंगी और औरत के रूप में आया था। आज तुम्हें मेरे दर्शन हो गए। इस पर मार्टिन कहता है, बेशक आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान हमारे पास आते हैं, वे गलियों से गुजरते हैं, पर हम उनकी ओर निहारते ही नहीं। रोज ईश्वर अलग अलग रूप धारण करके हमारे सामने से गुजरते हैं, पर हम उनकी ओर देखते ही नहीं, क्योंकि हमने अभी तक अपने मन पर विजय नहीं पाई है। संत कबीर अपने दूसरे दोहे में कहते हैं, कबीर ऐसा एक आद जो जीवत मृतक होए, निर्भय होए कह गुण रवै, जत पेख तत सोए। अर्थात एक आद कोई होगा जो स्वयं को जीते जी मार देता है और निर्भय होकर गोविंद के गुण गाता है। ऐसा इंसान फिर हर जगह एक प्रभु को ही देखता है, एक प्रभु को ही देखता है। अब प्रश्न यह है कि कौन है जो जीते जी स्वयं को मार देता है? इसका उत्तर है जो अपनी मैं से मुक्त होता है। जब तक दिल में मैं की भावना है, जब तक मान सम्मान का विचार दिल में रहता है, तब तक हम माया के चंगुल में फंसे रहते हैं। जब खुदी मिटे तब खुदा मिले। जब तक खुदी को ना मिटाएगा रे तू बंदे, खुदा को तू नहीं पाएगा रे बंदे। बंदे तू जल्दी से खुद को बिसार दे, तू ही तू को रट ले बंदे, मैं को तू मार दे। बंदे तू जल्दी से खुद को बिसार दे, तू ही तू को रट ले बंदे, मैं को प्रभु को नहीं पाएगा तू रे बंदे, जब तक खुदी को ना मिटाएगा तू रे बंदे, जब तक खुदी को ना मिटाएगा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, संत कबीर के जीवन की एक सुंदर घटना है। काशी का राजा संत कबीर का शिष्य बन जाता है। वह कबीर के पास एक आदमी को भेजता है। वह आदमी हाथी लेकर आता है और संत कबीर से कहता है, हुजूर, राजा ने आपको बुलाया है, कृपया आप इस हाथी पर बैठकर राजा के पास चलें। पहले ऐसा रिवाज था कि जो भी राजा से मिलने जाता था वह हाथी पर बैठकर जाता था। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें बताया था कि एक बार वे राजा से मिलने पैदल ही चले गए, इसलिए दरबार ने उन्हें महल में जाने ही नहीं दिया। उसके बाद एक अवसर पर गुरुदेव की मुलाकात राजा से हो गई और राजा ने उनसे पूछा, आप हमारे यहाँ आने वाले थे पर आप आए ही नहीं, क्यों? इस पर गुरुदेव ने कहा, राजन, मैं तो आया था पर दरबान ने मुझे महल में आने ही नहीं दिया। वह बोला कि आप राजा से मिलने पैदल क्यों आए हैं? इस पर राजा ने कहा, हाँ, राजा से मिलने के लिए हाथी पर बैठकर आना पड़ता है, यह नियम है, पर आपके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं सबसे कह देता हूँ कि आप जैसे भी आए, आपको महल में प्रवेश करने दिया जाए, आप पर इस तरह का कोई बंधन नहीं है। हाँ, तो राजा का एक आदमी हाथी लेकर संत कबीर के पास आता है और कहता है, हुजूर, राजा ने आपके पास हाथी भेजा ताकि आप हाथी पर बैठकर राजा से मिलने चलें। तब संत कबीर स्वयं से कहते हैं, वाह कबीर, वाह, तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। राजा ने तुम्हारे पास हाथी भेजा है, पर कबीर राजा के सेवक से कहता है, श्रीमान, मुझे क्षमा करें, क्योंकि इस समय मैं राजा से मिलने नहीं आ सकता। जब मुझे समय मिलेगा मैं अपने आप राजा से मिलने आ जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ संत कबीर चाहते हैं कि जो सामान उन्हें दिया जा रहा है वे उससे ऊपर उठ जाएं। वे चाहते हैं, मैं कुछ हूँ, पहले इससे छुटकारा पा लूँ, फिर राजा के पास जाऊँगा। उसी दिन शाम के समय संत कबीर पैदल ही राजा के महल की तरफ चल पड़ते हैं। महल के द्वार पर पहुंचकर वे दरबान से कहते हैं, मुझे राजा से मिलना है, मुझे महल में जाने दो। इस पर दरबान कहता है, आपके पास न हाथी है न घोड़ा है, फिर भला मैं आपको अंदर कैसे जाने दूं? तब संत कबीर दरबान से कहते हैं, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ कबीर, तुम्हारे राजा का गुरु, मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। इस पर दरबान कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, राजा के गुरु तो हाथी पर बैठकर आने वाले हैं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। इस तरह संत कबीर का अपमान होता है। वे स्वयं से कहते हैं, हे मूर्ख मन, देखो ये है तुम्हारा मान, अच्छा है कि तुम्हारा अपमान हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत स्वयं अपनी निंदा, अपना अपमान करवाते हैं। इस तरह उन्होंने अपने मन को जीता है। हमें भी अपने मन को मारना चाहिए। साधु, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो। जब भी मन अपना फन उठाकर खड़ा हो जाए उसे तुरंत मारना शुरू करो। धीरे धीरे मन को सजा देकर मन को मारो, मन को मारो। कबीर ऐसा एक आदि जो जीवित मृतक हो
निर्भय होए कै गुण रवै जत पेख है तत सोए। संत कबीर इस दोहे के दूसरी पंक्ति में कहते हैं, जो गोविंद के गुण गाता है उसे कोई भय नहीं लगता। ऐसा इंसान हर जगह अपने प्रभु को देखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि कोई अमीर होगा, कोई बड़ा अफसर होगा, तो हमें उसे डर लगता है। हम उसे खुश रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो जीते जी मर जाता है, जो अपनी खुदी को मिटा देता है, उसे किसी बात का भय नहीं रहता। वह तो निर्भय होकर हरि के गुण गाता है। जो व्यक्ति हरि का गुणगान करना चाहता है, उसे त्याग करना सीखना चाहिए। संत कबीर ने कहा है, और सब त्याग भज केवल नाम। अपनी सारी कामनाएं त्याग दो, स्वार्थ त्याग दो, केवल राम का नाम भजो। राम नाम भजो मन, राम नाम भजो रे, सीता राम भजो मन, सीता राम भजो रे। राम राम भजो मन, राम राम भजो रे, राम राम भजो मन, राम राम भजो रे, राम राम भजो मन, राम राम भजो रे, राम राम भजो मन, राम राम भजो रे। राधे कृष्ण भजो मन, राधे श्याम भजो रे, राधे कृष्ण सीताराम भजो मन, सीताराम भजो रे, सीताराम भजो मन, सीताराम भजो रे, विठ्ठल भजो मन, विठ्ठल भजो रे, राम राम भजो मन, राम राम भजो रे, राम राम भजो मन, राम राम भजो रे। राधे कृष्ण भजो मन, राधे श्याम भजो रे, राधे कृष्ण भजो मन, राधे श्याम भजो रे, सीताराम भजो मन, सीताराम भजो रे, सीताराम भजो मन, सीताराम भजो रे, विठ्ठल भजो मन, विठ्ठल भजो रे, राम राम भजो मन, राम राम 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 भजो रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत कबीर कहते हैं, जो अपना स्वार्थ त्याग कर ईश्वर का गुणगान करता है, ईश्वर से प्यार करता है, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी तस्वीर हमारे दिल में बसी रहती है। जो ईश्वर से प्यार करता है, वह सब में ईश्वर को ही देखता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। सब में ईश्वर को देखना बहुत ही कठिन है। अपने मित्र या प्रियजन में ईश्वर को देखना बहुत आसान है, पर जो हमारा शत्रु है, जो निंदक है, जो चोर है, जो पापी है, उसमें ईश्वर को देखना बहुत कठिन है। एक बार रात के अंधेरे में एक चोर अमीर आदमी के घर से चोरी करके भागता है।
थानेदार चोर को देख लेता है और उसका पीछा करता है। चोर चोरी का सामान फेंक कर तेज भागने लगता है। भागते भागते वह संत कबीर के घर की गली में पहुंच जाता है। अमृत बेला का समय था, संत कबीर उठ गए थे। उनके घर में एक दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी को देखकर चोर उनके घर में घुस गया और संत के चरण पकड़ लिए। संत कबीर के दिल में तो सबके लिए प्यार था। चोर संत से कहता है, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब जो संत की शरण लेता है उसे संत कैसे छोड़ सकते हैं। संत कबीर चोर से कहते हैं, तुम घबराओ मत, यहाँ खाट रखी है, तुम उस पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद थानेदार वहाँ आ पहुँचता है और संत से कहता है, आपके घर में एक चोर घुस आया है। संत कबीर कहता है, तुम स्वयं उसे ढूंढ लो। थानेदार उनके घर की तलाशी लेता है पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। थानेदार लौट जाता है, तब चोर उठकर संत के चरणों में गिरकर रोने लगता है। फिर वह कहता है, कृपया आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें, आज से मैंने चोरी का धंधा छोड़ा। यह सुनकर संत चोर से कहते हैं, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। इस पर चोर कहता है, हुजूर मैं एक चोर हूँ, भला एक चोर के साथ आपकी बेटी का विवाह कैसे हो सकता है। तब कबीर कहते हैं, तुम चोर नहीं हो, जो प्रभु तुम्हारे भीतर है वही प्रभु मेरे भीतर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमारी दृष्टि भी इतनी विशाल हो जाए तो हम भी दुष्टों में और पापियों में सब में एक ईश्वर को देखें। इस समय हम बेदबुद्धि में हैं, काश हम भी सब में उस एक ईश्वर को देखें और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।